आपके गांव की बेटी है, पर जय जयकार जो पूनम पंडित, पुराने अंदाज में लौटी कांग्रेस के खूंखार सेजनी पूनम पंडित, आते ही मचाया भयंकर तहलका। जी हां, आपको पता चली कि जहां एक तरफ देश आजादी का 75वां स्वतंत्र दिवस मना रहा है, तो इसी कड़ी में कांग्रेस के खूंखार सेजनी पूनम पंडित भी कुछ नए अंदाज में नजर आए। इस बार पूनम पंडित ने गोल्डन कलर का साड़ी पहनकर अपने गाँव में तहलका मचा दिया है। दरअसल बताने चले की पूनम पंडित ने ट्वीट करते हुए लिखा की मेरे गाँव में आप सभी का स्वागत है, जिसके बाद क्या था, पूनम पंडित का शानदार भाषण लोगों के दिलों में बैठ गया और जमकर लोगों ने पूनम पंडित के भाषण सुनकर तालियां भी बजाते हुए नजर आए। वहीं कई लोगों ने कमेंट भी किए हैं। किसी ने लिखा दीदी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, तो किसी ने लिखा जय हिंद वंदे भारत, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान जय सियाराम, तो किसी ने लिखा पूनम पंडित जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। वहीं एक ने लिखा भाजपा के झूठे प्रचार का मुकाबला करने के लिए हमें सभी राज्यों में अपने सोशल मीडिया को मजबूत करना चाहिए। अब आइए सुनिए क्या कुछ कहा है 15 अगस्त के दिन कांग्रेस की खूंखार सेठनी पूनम पंडित ने अपने लफ्जों में। पूनम पंडित जी को जितने भी लोग मेरे गांव में, मेरे पैतृक गांव, मेरे पूर्वों के गांव, जिस गांव से मुझे सम्मान मिला, मुझे स्वाभिमान मिला, और इस गांव के लोगों ने, मैं थोड़ा सा आपको रूबरू करा दूं, मेरे ब्राह्मण परिवार के सिर्फ 5 ही घर, मेरा सभी सब अनुरोध है कि आप 10 मिनट का थोड़ा समय दें। मैं आपको बता दूं जितने भी लोग बाहर से आए हुए हैं, हमारे पाराशर जी, हमारे दिनेश भाई, राकेश भाटी जी, मनिंदर सूद जी, और मेरे बहुत ज्यादा मेहनत सहयोग करवाने में दिनेश अवाना जी का बहुत योगदान है, क्योंकि एक दिन पहले ये प्रोग्राम मुझे मिला है। श्रीलंका वाले हालात न हो जाए, ये हमारा देश नहीं।
शिक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए। और एक गौरव अस्पताल जो कांग्रेस के जमाने में बना था, आज भी वहाँ डॉक्टर नहीं बैठते हैं। जितने भी प्राइमरी स्कूल है जिसमें आपके बच्चे पढ़े नहीं आते, हजार हजार फीस नहीं दे सकती, आप अच्छी जानती हो। जितने भी सरकारी अस्पताल है जिनमें आप डिलीवरी कराती हो अपनी, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं करा सकती, वो सभी कांग्रेस की देन है। सभी को पता है उत्तर प्रदेश के लास्ट मुख्यमंत्री एन डी तिवारी जी, उन्होंने यूपी में ये शिक्षा, ये स्कूल जो प्राइमरी जिसमें हम भी पढ़े हैं तीन कक्षा तक, वो सभी कांग्रेस की देन है। तो आप अपना झंडा इस तरह अलग मत कीजिए, आप विपक्ष में है तो ही आप लड़ सकते हैं। क्योंकि जब देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी को तारा शाह लोग इतने खुश, इंदिरा गांधी जी की पोती जो जेल में गई इंदिरा गांधी और लड़ी और उन्होंने जेल काटी और देश के लिए शहादत दी राजीव गांधी ने, उनकी पोती को किस तरीके से इन्होंने किया है दिल्ली में, तो आप सोचिए आप और हमारी क्या औकात है। वो लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी में लड़ाई लड़ी है, जिनके बुजुर्गों ने जो है जेल काटी है और जिन्होंने आतंकवादियों ने जिनके बुजुर्गों को मार दिया है, जब उनकी ये बात है तुम्हारी क्या है। मैं जो बोलूँ आप उसको रिपीट करना, जो मैं बोलूँ उसको ही दोहराना, ठीक है। आजादी की लड़ाई में, जोर से, आजादी की लड़ाई में दो तरह के लोग थे, दो तरह के लोग थे। एक तरफ मर्द थे, एक तरफ मर्द थे, एक तरफ ना मर्द थे, एक तरफ ना मर्द थे। जो मर्द थे, जो मर्द थे, वो जन्म गए, वो जन्म गए। जो ना मर्द थे, जो ना मर्द थे, वो जन्म गए, वो जन्म गए। नेताओं ने हमारे भाषण दिए नहीं थे, उनका समय बचा हुआ, एक जियाउर रहमान की बचे हैं।